So hey, hi, hello, what's up, kasakai, kem chho, namaste. Title देख के आपको ये तो पता चली गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाला है. So दिल थाम के बैठे. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं. पहले तो हम ये बात कर ले कि हम ये बात क्या करने वाले हैं. तो एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग, ये टाइटल में तो आपने देख ही लिया है, लेकिन एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग में कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों सेम है? वेल, बेसिकली एंकरिंग इज आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. वेट, प्रियांक ये क्या कह रहा है तू? एंकरिंग इज आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ये एंकरिंग पब्लिक स्पीकिंग अलग है या एक है? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक नहीं. तू कंफ्यूज कर रहा है बॉस. वेट, तो एंकर का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम बोट लेके पानी में जाए तो हमें अगर वहाँ पे थोड़ी देर रुकना है तो हम एक एंकर को पानी में डालते हैं कि वो बोट उस जगह पे स्टेडी रहे, हिले डुले नहीं, और वो पकड़ के रखे, और उस बोट को उस पानी में पकड़ के रखे. तो एंकर एक वेट का काम करता है. उसी तरह से इवेंट एंकर का काम भी वही है कि इवेंट को पकड़ के रखे. और हाँ, इवेंट का जो फ्लो है, जो पानी का फ्लो, उस तरह इवेंट का जो फ्लो है उसमें ऑडियंस को इवेंट के साथ पकड़ रखने का काम एंकर का होता है. क्वाइट सिंपल, क्वाइट ईजी. जैसे कि आपका कपिल शर्मा या नरेंद्र मोदी, उनको ये आर्ट सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी द लेजेंड है. बट अगर कपिल शर्मा और नरेंद्र मोदी दो अलग पर्सनालिटी है तो दोनों में एंकरिंग कर रहे हैं, दोनों एंकरिंग कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग? पहले ये देखने वाली बात है. थोड़ा माइक्रो डिटेल में काम है लेकिन हम आगे के वीडियो में देखेंगे. अभी आप ये समझ सकते हो कि कपिल शर्मा और नरेंद्र मोदी दोनों एंकर है, एट द सेम टाइम दोनों पब्लिक स्पीकर भी है. तू मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है, राइट? वेट, हम इसको थोड़ा आराम से चिलैक्स करके समझते हैं. आपको लग रहा होगा कि एंकरिंग सीखना मुश्किल है क्योंकि ध नरेंद्र मोदी या ध कपिल शर्मा को पहुंचना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. तो ये कहानी आपके लिए. मुझे याद है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मुझे एक प्ले में हिस्सा लेना था, लेकिन मुझे स्टेज से डर था, स्टेज फियर था, स्टेज फ्राइट था. और रोल मेरा ऐसा ही था कि मुझे एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के उस पर ब्लैक गॉगल्स लगा के एक राजा का चौकीदार बनना था. आज के ज़माने में हम उसे बाउंसर कहते. तो मुझे बाउंसर का रोल करना था. डायलॉग कोई था नहीं, सिर्फ मुझे खड़े रहना था और 15 मिनट का प्ले था. लेकिन प्ले ख़त्म होते होते मैं बेहोश होके गिर गया. पल होता है. लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ और ख़ुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. और ये मेरी जर्नी उस बारे में है. और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो 1000 लोग हो, 10,000 हो या 1,00,000 लोग हो, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के पब्लिक स्पीकिंग आराम से कर सकता हूँ या एंकरिंग आराम से कर सकता हूँ. तो वेल, आप भी ये आर्ट सीख सकते हैं. आई नो कि आप सब इम्पेशेंट है, मैं भी इम्पेशेंट था. लेकिन आपके लिए एक टिप है जो आपको काम आ सकती है पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप थोड़े हचमचा रहे हैं. वीडियो के अंत में है, ध्यान से देखिएगा. लेकिन उससे पहले हम जाते हैं एंकरिंग पे. तो बेसिकली एंकरिंग चार तरह की होती है. पहली तरह की एंकरिंग यानी कि फॉर्मल एंकरिंग बहुत ही सिंपल है. नहीं, वो भी एक डिफ़िकल्ट आर्ट है क्योंकि हमें एक डेकोरम फॉलो करना है, हमें जो शो है उसको पकड़ के रखना है, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते. जैसे कि अवार्ड शो में जब हम रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं तब, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई सीरियस इन्फॉर्मेशन देनी है या किसी शो की शुरुआत करनी है तो इनॉग्रेशन का जो टाइम होता है वो टाइम फॉर्मल एंकरिंग. जब हम चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, उनको फैलिसिलेट करते हैं, उनको वो फ्लावर देते हैं, टोकन ऑफ लव देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो सब फॉर्मल एंकरिंग में आता है. इट्स अ डिफ़िकल्ट आर्ट. उसके लिए मेमोरी भी चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन भी चाहिए. तो नॉन फॉर्मल आर्ट क्या है? ओके, तो वेल, नॉन फॉर्मल आर्ट इज आर्ट नंबर टू. ये मेथड नंबर टू है. नॉन फॉर्मल आर्ट यानी जब आपका एंकर या होस्ट या दोस्त या जो भी कह लो, वो शो को पकड़े रखने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए जोक्स, कॉमेडी या फिर पोयम या शायरी या किसी भी तरह से Q&A से इंटरेक्टिव सेशन ऑडियंस के साथ करे तो उससे ऑडियंस बंधी रहती है. बाय द वे, आप बोर नहीं हो रहे हो ना? वेल, तो आपके लिए क्वेश्चन कि आपने जो टीवी होस्ट, टीवी एंकर आए हैं जो अब तक आए, जैसे कि मनीष शर्मा हो गया या फिर मनीष पॉल हो गया या फिर जो भी आप नाम जानते हो, वो कपिल शर्मा हो गया, तो वो कपिल शर्मा, मनीष पॉल जो है
वो पब्लिक इंटरेक्शन के लिए कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, कौन सी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। चलो एक मैं आपको भी बता देता हूँ। एक टूल मनीष पॉल यूज़ करते हैं, वो है ह्यूमर। मस्ती मची है। बाकी के आपने जो ऑब्जर्व किए तो मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी की है मेथड नंबर 3, एंकरिंग की मेथड नंबर 3, और ये मेथड में आता है, अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा पेशेंस तो रख सकते हैं। और मेथड नंबर 4 भी अगले वीडियो में। तो चलो, एंकरिंग तो हमने समझ ली कि एंकरिंग 4 तरह की होती है, 2 मैं बताने नहीं वाला, मैं भी थोड़ा सेल्फिश बन रहा हूँ, 2 बता दी, फॉर्मल नॉन फॉर्मल। लेकिन एंकरिंग का हम करें क्या बॉस, उसका प्रोफेशन क्या है, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ जाके करें, जाके सोसाइटी में करें? नहीं। तो एंकरिंग के कुछ चुनिंदा प्रोफेशन है जो लोग हर रोज़ देखते हैं। सबसे पहले टीवी रिपोर्टर, उसके बाद न्यूज़ चैनल एंकर, जैसे कि आपका अर्णब गोस्वामी, नेशन वॉन्ट्स टू नो, जनता जवाब चाहती है, नेशन वॉन्ट्स टू नो। शायद आप भी दूसरे अर्णब गोस्वामी बन जाए और आप भी कह दें कि नेशन वॉन्ट्स टू नो, नेशन रियली वॉन्ट्स टू नो। उसके बाद नरेंद्र मोदी जैसे पब्लिक स्पीकर जो पब्लिक को टारगेट करते हैं, यानी पब्लिक को एड्रेस करते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा बनना डिफिकल्ट है, लेकिन आप तो बन सकते हो। या फिर एक यूट्यूबर जो ऐसे कैमरे के सामने बात करके अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है। कैमरा के सामने बात करना भी बहुत एक डिफरेंट आर्ट है, और ट्रस्ट मी, उसके लिए भी थोड़ा वक्त लगता है। एज आई एम लर्नर, आई एम लर्निंग न्यू स्किल्स एवरी डे, ट्राइंग टू लर्न। सो ये भी मैं सिखाते जाऊँगा और सीखता जाऊँगा। और आई फॉलो समवन, और वो कौन है उसको मैं लेटर वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। तो तुम थोड़े इंपेशेंट हो रहे हो, लेकिन वेट। अगर आपके पास बहुत सारा मोटिवेशन है, आपका माइंड, यू कैन अ ग्रेट मोटिवेटर, देन आप संदीप महेश्वरी बन सकते हो कि आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। या फिर आपके पास बिजनेस का अप्रतिम ज्ञान है, तो उस अप्रतिम ज्ञान को आप इकट्ठा करके विवेक बिंद्रा की तरह बाउंस बैक करके आप किसी को भी सिखा सकते हो। सेमिनार हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और या फिर प्रोफेशनल एंकर। हाँ, प्रोफेशनल एंकरिंग में भी ग्रेट अमाउंट ऑफ अर्निंग है, अगर आप उसको ढंग से एज अ डेडिकेशन फॉलो करो, ठीक है। तो अब मैं आपको टिप बता देता हूँ। टिप बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्टेज पे जाओ और आपको स्टेज फियर है, तो यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग। आपको सिर्फ एक ही चीज़ें करनी है कि आपके एक दोस्त को ऑडियंस में रखना और दोस्त की आँखें डाल के उससे बात करनी है। यस, वो डर लग सकता है, फियर हो सकता है, लेकिन दोस्तों से बात करना थोड़ा इजी है देन टू थाउजेंड ऑफ पीपल। तो ये टिप दूसरी बार अप्लाई कीजिएगा, और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे वाई कैसे अप्लाई किया जाए, हाउ टू सिलेक्ट वाई फॉर पब्लिक स्पीकिंग। मुझे ये क्यों करना है, ये आर्ट मुझे क्यों पसंद है, क्यों ना मैं टेक्निकल काम करूँ, क्यों ना ये करूँ, ये मुझे क्यों करना है, इस वाई का आंसर ढूंढेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आपको पसंद आया तो यस फैला दो इसे, अगर आपको कुछ सजेशन है तो कमेंट करो, और यस आई एम ऑलवेज ओपन फॉर योर सजेशंस। तो तब तक के लिए स्टार्ट विचारिंग, स्टे मुस्कुराते, आई विल सी यू सून, बाय बाय।